ज़्यादातर क्लाइंट सर क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉपर्टी में एंट्री कब मारे और एग्जिट कब ले सर। प्रॉपर्टी में एंट्री कब मारे और एग्जिट कब लें? एंट्री तब मारे जब रियल स्टेट की प्राइसेस डाउन हो, और एग्जिट तब करें जब रियल स्टेट ऊपर चली जाए। बदकिस्मती से हमारे लोगों का, बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेंड है, दुबई में पूरी दुनिया में, कि जब दुबई डाउन था 2020 में तो कोई प्रॉपर्टी का खरीदार नहीं नहीं था, था। और 2024 और 23 जब आग लग गई है प्रॉपर्टी को तो सारे लोग परचेज करने आए। सेम पाकिस्तान 2020 था एग्जिट का टाइम, क्या था एग्जिट, यानी कि जिसके पास चीज़ थी उसको 2020-21 में उसको एग्जिट कर देना चाहिए था ऊपर था से। लेकिन यहाँ पे जो हमें अगले कस्टमर कहते थे, यार लाहौर मार्केट 50 लाख प्रॉफिट में दे 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 दो, 10 लाख प्रॉफिट पे लिए, 40 लाख की दिहाड़ी मार लो, वो कहते थे मैं 4 अरब की दिहाड़ी मार ली। कितने जी? 4 अरब। हाँ कंजूसी है ना जी, लोग कहते हैं जी और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जाए, और माशाल्लाह से चले आ गए। रियल स्टेट इस टाइम जो करेंटली 2024 है, ये बाइंग का टाइम है। सेलिंग का टाइम आएगा लगभग को 2026 और 27 में सेलिंग का टाइम आएगा। लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, 24 में लोग बाइंग नहीं करेंगे, ये बाइंग तब करेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी। आज वही फाइल जो 15 लाख प्रॉफिट पे है, या फिर आज वही प्लॉट जो बैरियर टाउन में 80 लाख रुपये का है, ये जल्ले बेवकूफ़ लोग 1 करोड़ रुपये का हमसे लेंगे, लेकिन वो 80 लाख का कभी नहीं लेंगे। ये एक साइकोलॉजिकली लोग अफेक्ट, और मजे की बात डीलर उसमें पैसे हम ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए एज ए डीलर रियल स्टेट अच्छी बात है कि जितना बेवकूफ़ होगा उतना डीलर डिवेलपर पैसा कमाता है। और भाई जब चीज़ ऊपर चलेगी उसको बेच दो मुनासिब जो कमाई है। अब मैं आपको बताऊँ, रूडन है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, लॉर्ड्स मार्केट है, कब तमाम की तमाम सोसाइटी है 5-5, 10-10 लाख रुपये प्रॉफिट पे फाइलें गई, किसी ने नहीं बेची। जब नीचे आता है सब बेचने आ जाते हैं, हालांकि जब नीचे रियल स्टेट आ जाए तो फिर होल्ड करनी होती है। सो हम वाइस वर्सा उल्टा चल रहे होते हैं। दुनिया में जो सियाणा इन्वेस्टर है वो पैसा तब लगाता है जब रियल स्टेट डाउन होती है, चीज़ उठा लेता है, ऊपर जाती है चीज़ बेच देती है, हमारी ऊपर जाती है दगलग दगलग जाके। अब हमें मिन्नतें करनी पड़ती है। फिर मैं मुझे याद है कि पैरों में पड़ के लोगों ने हमसे प्लॉट लिए, पैरों में मतलब पैरों में पड़ते थे कि सर प्लीज़ एक फाइल दे दें, बस लाख रुपये प्रॉफिट कम ले लें। ये लाहौर स्मार्ट सिटी और कैबिनेट स्मार्ट सिटी की बड़ी अच्छी वाक याद है, ये पार्क्यू सिटी, ये मेट्रो खारियाँ की कितनी, गुजर खान की फाइलें, ये गुजर खान एक मेरी जूती की से नहीं चाटी, बाकी सब ने आगे फाइल, मतलब झुक झुक के लोग उस सर प्लीज दे दें एक, मतलब 50,000 प्रॉफिट चल रहा है सर 20,000 रुपये दे दें, उस टाइम जब हाइप होती सब लेते हैं। अब अच्छा वो आप देखें ना, 6 महीने के बाद वो फाइल ऊपर चलेगी। ये अब बैरियर की वही मिसाल है, चीज़ों की मिसाल है कि जब रियल स्टेट ऊपर होती है ये हमारे पैरों में पड़ते हैं, जितने इन्वेस्टर पैरों में पड़ा होता है कि हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं, ना कि उस टाइम चीज़ उस टाइम बेचने का टाइम हो। जब अब जब जब डाउन होती है फिर हमें इनके पैरों में पड़ना पड़ता है, जबकि इस टाइम उनको चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें। मतलब ये बड़ी तलख सी बात है। दूसरी बात यह है कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, जब आपको एक अच्छे रिटर्न, मतलब आपने 10 लाख रुपये प्रॉफिट पर चीज़ दी और आपको 50 लाख रुपये बाजरा बचो करके भेज दें, एक आदमी नहीं 2 अरब रुपया कमा सकता, फिर 2 अरब रुपये थे अल्लाह करे जिंदगी से नहीं कमा सकता बना कि मेरे 10 लाख रुपये थे कि बहुत बाद ही कमा सिया। तो रियल स्टेट बेसिकली एग्जिट तब करना जब हाइप हो, और एंट्री तब करनी है जब डिप्रेशन हो। डिप्रेशन में अब लोग कर रहे हैं एग्जिट, हाइप में लोग करेंगे बाइंग। साड़ियाँ दियानी इलेक्शन वो कहना जी बेवकूफ़ जिंदा ने सारा काम चलना, लोग बेवकूफ़ ने। हालांकि मैं उनको ये इलम चीज़ देता हूँ, ये सब्जेक्ट ये समझाता रहता हूँ इस रियल स्टेट, आप लोग की सवालतों के पैगाम में जो कमेंट्स लोग करते हैं उस पर वीडियोज़ बना के, यार इन्वेस्ट तब करें जब रियल स्टेट डाउन हो। आज इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आज मैं कह रहा हूँ आज, और जब हाई होती है तो हमारे पास टाइम नहीं होता, फिर तो हम अतीक साहब 50,000 रुपये प्रॉफिट की चीज़ मांग रहे हैं, सुहेल साहब लाख में मांगे, मैं लाख में तो अतीक को ऐसे 2-4 पेड़े मार दूँगा, क्यों जी है नहीं होता ना। तो बेहतर ये है कि उस टाइम ना ऑप्शन ज़्यादा होते, इस टाइम ऑप्शन ज़्यादा है, उस टाइम जरा मजबूत बेवकूफ़ है जरा डर के हाई पिचू या डिप्रेशन टू डर के स्टेबल टू डर के बेचना चाह रहे हैं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा चाहो, उसकी मजबूरी का फायदा थोड़ी भी बेची रेफर बेची सस्ती मिल सी, फिर मार्केट होते जाने चौड़ा हो जाता वो कहना मैं तो बेचना ही नहीं। ये चीज़ है ना, मतलब ये सिर्फ इसका यही है कि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है और बेचने का टाइम है जब आप फिर से बात बेचें।